प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज 70वें जन्मदिन पर बिहार में 70 के थीम पर बड़ी धूम। वाराणसी के हनुमान मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनाया जा रहा जन्मदिन, सुंदरकांड के पाठ के साथ किया जा रहा हवन। नितिन गडकरी हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर खुद दी जानकारी, कहा मेरे संपर्क में आए लोग प्रोटोकॉल का करें पालन, खुद का कराएं कोरोना टेस्ट। भारत और चीन के मुद्दे पर राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे बयान, एलएसी से जुड़े गतिविधियों के बारे में भी देंगे जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को कोसी रेल महासेतु करेंगे समर्पित, बिहार में 12 रेल परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। राजस्थान के कोटा में कमलेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे लोगों से भरी नाव पलटी, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, 10 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीएम ने कोटा हादसे पर जताया दुख, कहा राजस्थान के कोटा में एक नाव के पलटने से मैं बेहद दुखी हूं, इस घटना में अपने करीबी और प्रियजनों को खोने वाले के साथ मेरी संवेदनाएं। ड्रग्स मामले को लेकर बीजेपी नेत्री जया प्रदा बोली, जया बच्चन का ठीक नहीं लगा बयान, आपको तो अपने घर में आवाज उठानी चाहिए कि हाँ मैं युवाओं को संभालूंगी, बच्चन परिवार जो कहता है उसे दुनिया सुनने को तैयार रहती है, इसलिए मैं चैलेंज करती हूँ कि क्या आप इस ड्रग माफिया को और ड्रग एडिक्ट युवाओं को संभाल पाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति के सांसद बिल्ली दुर्गा प्रसाद राव के निधन पर जताया दुख, कहा उनका जाना बड़ी क्षति। दिल्ली में एसी की गर्म हवा को लेकर भिड़े दो पड़ोसी, सफाई कर्मचारी ने बुजुर्ग को छत से फेंका। फिंगर फॉर लाउड स्पीकर लगाकर पंजाबी गाने सुना रहा चीन, भारतीय जवानों का ध्यान भटकाने की कोशिश। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने पुरुष क्रिकेट में सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने का बनाया रिकॉर्ड। अर्थ इंडिया न्यूज में बस इतना ही, खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए अर्थ इंडिया न्यूज। ये है अर्थ इंडिया न्यूज, देश की बात अर्थ इंडिया न्यूज के साथ।